मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 3। तो अभी हम आ चुके हैं द्वारका। सुबह का टाइम हो रहा है 7:30। अभी चलते हैं होटल वगैरह ढूंढते हैं, इसके बाद जाएंगे आज दूसरे ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो गाइस, अभी हम रुके हैं नाश्ता करने के लिए, गुजराती नाश्ता कर रहे हैं जलेबी फाफड़ा के साथ। या तो चाय मंगा दी मैंने, अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद ना आपको बाहर दिखता व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम चल दिए हैं द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ, अभी आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। ये मंदिर से पहले की मार्केट, कल की तरह ही है, जूते वॉच मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, सब जमा करना पड़ेगा। अब ये कल की तरह मुझे रूम पर छोड़ के आना पड़ेगा। अभी आ चुके हैं हम गुजरात के एक और ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग नंबर 8 और मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले किया था मैंने केदारनाथ, उसके बाद कल सोमनाथ और अभी नागेश्वर। सो गाइस, अभी आ चुके हैं अंदर दर्शन करके। अंदर यहाँ भी कैमरा मोबाइल कुछ अलाउ नहीं है। सो गाइस, आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं अपनी बस की तरफ और अब जाएंगे गोपी तालाब की तरफ। अभी बस के बारे में बताता हूँ क्या है। सो गाइस, जिस बस से हम आए थे वो बस हमें होटल वाले ने करा के दी थी 130 रुपीज़ पर पर्सन। उसमें अपना ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये चार चीज़ें, गोपी तालाब, बेट द्वारका एंड रुक्मणी मंदिर, ये तीन चीज़ें भी अभी बाकी हैं, तो बने रहे अभी। आ चुके हैं ओखा पोर्ट, ओखा पोर्ट से अब जाएंगे बेट द्वारका। जल्दी से चलते हैं नाव की तरफ। तो गाइस, अभी हम हैं गुजरात के ओखा पोर्ट पर और जा रहे हैं बेट द्वारका, वोरा बेट द्वारका आइलैंड, और इधर सिग्नेचर ब्रिज। इधर सिग्नेचर ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बेट द्वारका आइलैंड को इंडियन मेन लैंड से कनेक्ट करेगा। बेट द्वारका की गलियों में ये रहा मेन टेंपल ऑफ द्वारकाधीश जी। सो बेट द्वारका से आ चुके हैं अब रुक्मणी टेंपल। टाइम हो रहा है रात के 8:47।
अब यहाँ भी दर्शन करके आते हैं, फिर चलते हैं होटल की तरफ। बस भी खड़ी है। तो हो चुके हैं दर्शन, अब जा रहे हैं बस की तरफ। अब चलते हैं सीधा होटल। बस ने हॉर्न दे दिया 909। चल दिए अब अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ट्रेन नंबर है 12957 स्वर्ण जयंती राजधानी। तो आज राजधानी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये रही अपनी ट्रेन स्वर्ण जयंती राजधानी। सेकंड क्लास में अपना रिजर्वेशन है। चलते हैं देखते हैं क्या सर्विस रहती है। तो फाइनली आ चुके अपने कोच पर। तो ये रही अपनी सीट। ट्रेन शाम 6:30 निकल गई थी। ये दो वाटर बॉटल, कुछ स्नैक्स सर्व किया गया है अभी। तो गाइस अभी मैं लेटा हूँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ, और नीचे मम्मी भी लेट गई है। आपको दिखाता हूँ। सो गाइस 8:51 पे हमारा डिनर सर्व हो चुका है। ये मेरा, वो मम्मी का। जल्दी से इसको खाते हैं फिर सो जाएंगे। यह है राइस, ये दाल है, ये पनीर की सब्जी, ये काई की सब्जी आलू, और ये कर्ड, और ये 2 रोटीज। चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ। सो गाइस डिनर के बाद आ चुकी है आइसक्रीम, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वर्ण जयंती राजधानी के वॉशरूम में मिला। मेरा एकदम क्लीन है, लिक्विड सोप भी है और वाटर भी आ रहा है। तो गुड। सॉरी गाइस 6:80 हो चुका है, चाय सर्व हो चुकी है। अपनी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी है, 7:45 हो चुका है। 7:30 का टाइम था न्यू दिल्ली पहुंचने का। तो फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी। 25 मिनट्स लेट राजधानी, स्वर्ण जयंती राजधानी।